लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी तक हमने जितना सब कुछ पढ़ा अबाउट मिरर्स, अबाउट लेंसेस, उसका एप्लीकेशंस, यस, फिजिक्स में बड़े लेवल पे जो एप्लीकेशंस है वो पढ़ने वाले। वैसे तो एप्लीकेशंस हर जगह है, यस, बड़े लेवल पे जो मेन मेन इंस्ट्रूमेंट्स है वो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे, बेसिकली दो, एक माइक्रोस्कोप एक टेलीस्कोप। आज के टॉपिक में सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टडी रहेगा। ओके, स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर वन, या कुछ टर्म्स हमको पहले समझने होंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज नथिंग बट फॉर अ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई, आई में डिफेक्ट्स होते हैं ना बहुत सारे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये वो, यस, ऐसा आई जिसमें कोई भी डिसीज नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, नॉट डिसीज, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल आई। फॉर अ नॉर्मल आई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे कम डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज डिस्टिंक्टली विजिबल। फॉर अ नॉर्मल आई द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट, प्लीज ध्यान से समझो, इज क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विजिबल। बड़ा, क्लियर और डिस्टिंक्ट, यस। ऑब्जेक्ट कैसा विजिबल होना चाहिए? ऑब्जेक्ट बड़ा दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए और डिस्टिंक्ट दिखना चाहिए, एक ही बात है, यस। बड़ा मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा दिखाई दे। नंबर टू, क्लियर, ब्लर नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब ऐसे दो दो तीन तीन इमेजेस नहीं दिखना चाहिए, यस। ऐसे कभी कभी ओवरलैपिंग इमेज होता है, क्लियर नहीं होता है, ब्लर दिखता है। सो क्लियर, डिस्टिंक्ट और बड़ा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। दिस डिस्टेंस फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज बच्चों 25 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट आपको 25 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब इस चीज का मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि देखो यार, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दूर से देखा तो अंडा दिखाई दे रहा था, है ना, पास आके देखा तो टकला चमक रहा था, यस, ऐसे कुछ तो बचपन में सब बोलते थे ना, शेरो शायरी नया नया सीखते हैं छोटे बच्चे, KG 2 वाले, यस। तो अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो छोटा दिखाई देगा, यस। जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है उसका साइज इंक्रीज होते जाता है ना, जैसे और पास में आया, साइज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। मान लो दिस इज योर ह्यूमन आई, दिस इज योर आई, है ना, ये आई से ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो इतना सा दिखाई देगा, जब पास आएगा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, और पास, यार ऑब्जेक्ट का साइज तो उतना ही है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ी ना एक्चुअली चेंज हो रहा है, लेकिन दूर से छोटा दिखता है, पास आओ तो बड़ा दिखता है, ऐसे क्यों होता है वो भी बताऊं, वो भी देखेंगे हम लोग, बताता हूं, है ना। और पास आया और बड़ा दिखा, मान लो ये डिस्टेंस है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ओके, आई से, आई से ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा तो इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, इस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देगा, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा और बहुत बड़ा दिखाई देगा। आप बोलोगे सर इसके आगे आया तो और बड़ा दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा ना, और पास में आ जाए तो शायद और बड़ा दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, यस, फिर ब्लर दिखना चालू हो जाएगा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप आंखों पे स्ट्रेन आना चालू हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, रीडिंग बुक ले लो, बुक को इतने दूर रखो, इतने दूर रखो, दिखेगा नहीं ठीक से, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे अच्छे से दिखाई देता है, और पास में लेके आओ फिर आंखों पे स्ट्रेन आना शुरू होता है, हेडेक होना शुरू होगा धीरे धीरे, है ना, ब्लर दिखाना दिखना शुरू हो जाएगा, ओके। सो 25 से भी बड़ा दिख सकता है 20, यहां पर दिस डिस्टेंस इज मान लो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बड़ा डेफिनेटली दिखेगा लेकिन क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगा। तो हमको चाहिए क्लियर, डिस्टिंक्ट और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा इमेज, है ना, वो बच्चों पॉसिबल है 25 सेंटीमीटर पे। सो दिस डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन,
डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब बड़ा भी होना चाहिए क्लियर भी होना चाहिए, इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यस चलो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में कोई डाउट किसी को, है ना। अब इसका क्या काम है, चलो ये एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। विजुअल एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल एंगल? ऑब्जेक्ट की साइज कितनी बड़ी है ये डिपेंड करेगा वो आंखों पे कितना बड़ा एंगल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है आपका, हाइट h इसका है। यस, हैव अ लुक एट द एंगल दैट इज इट इज मेकिंग एट योर आई। ये आपका आई है, दिस इज योर ह्यूमन आई, ये आपका प्यूपिल व्यूपिल जो भी है। यस तो ये देखो ये जाएगा और रेटिना पे, दिस इज योर रेटिना, ये स्क्रीन है ना पीछे, आईबॉल के पीछे का स्क्रीन। जस्ट हैव अ लुक कितना बड़ा इमेज बना रहा है वो, इतने साइज का इमेज बना रहा है, काइंड ऑफ इतना इमेज बना रहा है। अच्छा, इसके बदले अगर बच्चों में इतना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दू, यस, तो ये क्या एंगल बनाएगा यहाँ पे, देखो ये बनाएगा ये वाला एंगल, है ना। इसको पीछे एक्सटेंड कर दू, देखो इतना बड़ा इमेज बनेगा। तो जितना बड़ा विजुअल, अच्छा दिस इज योर विजुअल एंगल इन दिस केस, ये है आपका विजुअल एंगल। व्हाट इज विजुअल एंगल? द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट योर आई, एट योर आई, आई पे जितना ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है वो। एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल थीटा। वेल, मैं इसको अल्फा एंगल, ठीक है अभी के लिए रहने दो थीटा, है ना। तो जितना बड़ा साइज कौन डिफाइन करेगा? साइज डिफाइन करेगा आपका ये एंगल। अच्छा आ जाओ यहाँ पे पिछले वाले केस में, सी दूर है तो ये ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है। यस, ये एंगल कितना बनाएगा आईज पे? एक एकदम छोटू सा एंगल, सी बहुत छोटा एंगल बनाएगा। छोटा एंगल बनाएगा तो उसका साइज छोटा दिखेगा, दिस एंगल इज स्मॉल। ये वाला देखो थोड़ा सा बड़ा एंगल बनाएगा तो इसका साइज बड़ा दिखेगा, और पास में आएगा तो और बड़ा एंगल बनाएगा तो इसका साइज और बड़ा दिखेगा। बच्चों अगर और पास में आता है, यस, तो एक्चुअली इसका एंगल और बढ़ जाएगा तो और बड़ा दिखेगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ साइज मैटर नहीं करेगी, क्लैरिटी भी मैटर करेगी, तो फिर क्लियर नहीं दिखने वाला, है ना। सो व्हाट इज विजुअल एंगल? इट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आईबॉल, आईबॉल के साथ जो एंगल बनाता है वो। तो जितना बड़ा एंगल, ये देखो ब्लू वाला इतना बड़ा एंगल, तो इमेज भी इतना बड़ा बनता है। That is nothing but visual angle. और ये आई की बात चल रही है, ओके, आंखों की बात चल रही है। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड कॉन्सेप्ट, विजुअल एंगल, ठीक है। आ जाओ इसके बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैग्नीफाइंग पावर। वॉट डू यू मीन बाय मैग्नीफाइंग पावर? ओके, अब स्टडी करने वाले हैं हम मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में पहला आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। भैया माइक्रोस्कोप यूज क्यों करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, वेरी 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 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। देखो यहाँ पे, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, विच कंसिस्ट ऑफ वन लेंस ओनली, एक लेंस है उसके अंदर, एंड इट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखने के काम में आता है। इट इज नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज सेम उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। और बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास होता है K6 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 6 इज नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इज नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें आपको वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज दिखता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप।
अब उसमें होता क्या है, सारी चीजें वर्क कैसे करती है, ये ध्यान दो। ओके, अब पहली चीज समझना, माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट देखने के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी 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 स्मॉल, है ना। तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर आपको देखना है, मान लो दिस इज योर आई, ओके, दिस इज योर आई, दिस इज योर आई बॉल, या यहां पे इनपुट आने वाला, यहां पे इंसिडेंट रेज आएगी, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके, ये यहां पर, ये दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है बैक्टीरिया, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है सेल्स, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है टिश्यूज एंड ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल स्टूपिड थिंग्स, है ना, छोटी छोटी चीजें देखना है। अब वो छोटी छोटी चीजें मुझे बताओ, क्या आप यहां पे रखोगे? नहीं, यहां पे रख के दिखने तो वाली है नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटी है यार, बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, यस, ना ही मैं इसको दूर रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यस, तो मैं उसको रखू कहां, मैं उसको रखूंगा यहां पे, है ना, समवेयर ओवर हियर। आपका जो आई है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उसके बीच में, है ना, एकदम पास से देखना पड़ेगा, एकदम पास से, आंखों के एकदम पास से, रादर बच्चों इतने भी पास से इधर भी नहीं रखूंगा, इधर, है ना, शायद तब जाके मुझे वो दिखाई दे, फिर भी नहीं दिखने वाला, डोंट वरी, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो चीजें देख सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं फिलहाल से, ओके, तो फिर भी नहीं दिखने वाला, ओके, यस, और दिखेगा भी तो बहुत ब्लर दिखने वाला है, बहुत ही ब्लर दिखेगा। तो क्या किया जाए, अब ध्यान दो अच्छे से, तो क्या किया जाए, तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे आई और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस लगा दूंगा, यस, वन सेकेंड, यस, यहां पर मैं एक लेंस लगा दूंगा, यस, दिस लेंस का फोकल लेंथ यहां से यहां पे आएगा बच्चों, दिस इज द फोकस ऑफ द लेंस, उस लेंस का ये फोकस है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यस, तो केस सिक्स हो जाएगा यार, केस नंबर सिक्स। ये बात को समझो कि मैं लेंस को यहां क्यों रख रहा हूं इतने पास में, और मैं एक चीज अज्यूम करूंगा कि ये जो आई है ये लेंस को चिपक के, माइक्रोस्कोप यूज किया है क्या कभी किसी ने स्कूल लेवल में, स्कूल में, कॉलेज में, हैव यू सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप? तो क्या होता है उसमें, ऐसा एक ओपनिंग होता है ना देखने के लिए, यहाँ पे लेंस लगा होता है, उसको ऑलमोस्ट आके चिपका के देखते हैं हम लोग, है ना, दूर से तो नहीं देख सकते, योर आई इज ऑलमोस्ट अटैच टू द लेंस, है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैं अज्यूम करूंगा अभी के लिए, यस, कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, आंखें और लेंस के बीच का, है ना, आंखें और लेंस आपका एकदम चिपक के है, यस, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा नहीं करते, मैग्नीफाइंग ग्लास से थोड़ा दूर से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, लेकिन अभी के लिए माइक्रोस्कोप में हम बोलेंगे कि आंखों के बहुत ही पास में लेंस रखा हुआ है ना, तो छोटे ऑब्जेक्ट हमको देखना है, छोटे ऑब्जेक्ट दूर से दिखेंगे नहीं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से भी नहीं दिखने, और पास में लाएंगे और पास से भी नहीं दिख रहे, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, यस, लेकिन उसको देखने के लिए फिर हमने बीच में लगा दिया एक लेंस, और ये लेंस इज नथिंग बट माइक्रोस्कोप, यस, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सिर्फ एक पाइप रहेगा ऐसा, और इस पाइप के अंदर यहाँ पे लेंस लगा देंगे, ये पाइप, पाइप मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर एक लेंस रखा रहेगा, है ना, तो इसकी इमेज हमको कहाँ मिलेगी, समवेयर और हियर, ऐसा एक वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट समझते। अच्छा, मैंने जो कुछ भी अभी बताया वो क्लियर है क्या सबको, एवरीबडी, है ना, चलो लेट्स गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिक्स केस ऑफ ये क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, चलो पहली चीज पहले समझो, सबसे पहले है ना हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैं इसको थीटा से हटा के अल्फा लिख देता हूँ, हाँ, यहाँ पे मैं अल्फा लिख रहा हूँ, क्यों किया मैंने ऐसे अल्फा, बिकॉज आपके जो बोर्ड लेवल के जो भी बुक्स रहेंगे उसमें अल्फा यूज किया रहेगा, तो इसलिए मैं उसको अल्फा लिख देता हूँ और कुछ नहीं। क्या किया, ये आई है हमारा नॉर्मल, नो माइक्रोस्कोप, नथिंग 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 नथिंग, यस,
लीस्ट डिस्टेंस डी, डी क्या है, डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई, दिस इज 25 सेंटीमीटर. और यहां पे डी डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच ओ. यस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एच ओ. सो दिस एंगल अल्फा विजुअल एंगल है, ये क्या ये विजुअल एंगल है, हाँ विजुअल एंगल अल्फा. व्हाट इज दिस विजुअल एंगल, विजुअल एंगल अल्फा. अल्फा किसके साथ है एंगल, विद द आई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डी. यस, व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डी. यस, द विजुअल एंगल, विजुअल एंगल इज बच्चो अल्फा. विजुअल एंगल इज अल्फा. ऑलवेज फिक्स है ये, फिक्स कर दिया हमने इसको कि विजुअल एंगल तो हमेशा अल्फा ही रहने वाला है. यस yes? अच्छा तो क्या मुझे टैन अल्फा का वैल्यू बताओगे, व्हाट इज टैन अल्फा, टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, तो दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डी. क्या टैन अल्फा अल्फा के बराबर रहेगा, इज दिस एंगल वेरी वेरी स्मॉल, यस दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. क्यों, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में हम कौन से ऑब्जेक्ट देखेंगे, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, है ना, तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, ड्रॉ करने के लिए हमने बड़ा ड्रॉ किया, तो इसका एंगल देखो कितना सा बनेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट एंडिंग टू जीरो, है ना, तो इसका ऑलमोस्ट जीरो जीरो एंगल बनेगा. किसकी बात चल रही है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम छोटे ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा रहेगा तो एंगल बहुत छोटा बनेगा. अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, हम क्या बोलेंगे, टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू एच अपॉन डी. वेरी गुड, मेरा एक स्लाइड आगे पीछे हो गया, है ना, पहले ये करना चाहिए था, फिर मैग्नीफाइंग पावर करना चाहिए था. मैं मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन बताता हूँ. वेरी गुड, ये हमने स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, है ना, दिस इज, दिस विल नॉट चेंज, दिस विल नॉट चेंज एनी टाइम एनी वेयर, नथिंग. वेरी गुड, अब हमने क्या किया, अब हमने एक लेंस डाल दिया बीच में. अब मैंने यहाँ पे बीच में देखो एक लेंस डाल दिया, आई, आई वहीं पे है अभी भी मेरी, हाँ ऑलमोस्ट मेरी आई वहीं पे है. यस, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, ऑब्जेक्ट पहले था यहाँ पे 25 के डिस्टेंस पे. बच्चों ये स्टैंडर्ड चीज है, एक ऐसा ही डेफिनेशन हमने बना दिया कि जब आप स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे रखोगे तो एंगल अल्फा कितना बनता है, क्योंकि जितना बड़ा अल्फा बनेगा उतना बड़ा इमेज बनेगा. तो यहां पर मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करेगा, मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा अल्फा एंगल पे, है ना, तो यहां आ जाओ, ये जो मैग्निफिकेशन है, मैं इस फिगर को हटा रहा हूं, हाँ ये जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमारा लेंस के केस में जो होता था, वी बाय यू, यू बाय वी, माइनस वी बाय यू, एच आई बाय एच ओ वगैरह, ये सब ठीक है. यहां पर मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों अल्फा बाय बीटा. What is, oh sorry, beta by alpha होता है, I'm so sorry, beta by alpha. अच्छा, beta क्या है वो भी बताता हूँ, alpha क्या है ये भी बताता हूँ, है ना? मैंने starting में ही बताया ना, जितना बड़ा angle उतना बड़ा image, है ना, तो मतलब angle पे depend कर रहा है, this is nothing but angular magnification, angular magnification, है ना. तो क्यों आप बोलोगे ऐसे क्यों किया हमने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एंगल्स पे डिपेंड है, है ना. सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द विजुअल एंगल व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी, जब ऑब्जेक्ट डी पे है और आई से देख रहे, आप आंखों से देख रहे हो, है ना, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट आई. विजुअल एंगल पूरा लिख देता हूं यार यहाँ पे एक ही इसमें, विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई व्हेन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी.
डी डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है तब, एंड दैट इज अल्फा। ओके, तो हमने अल्फा देख लिया, क्या है ये है अल्फा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बोला कि अब एक लेंस डाल देते हैं, yes? और अब ऑब्जेक्ट को पास में लाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड चीज के लिए हमने यहाँ पे रख दिया, यहां से हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं दिखा, इतना सा ऑब्जेक्ट था कुछ नहीं दिखा, तो हमने बोला कि अब तो उसको और पास लाना पड़ेगा, पास लाओगे तो वैसे ही कुछ नहीं दिखने वाला, ब्लर दिखेगा सब कुछ, सब कुछ है ना। ये देखो यहाँ पे था बच्चों मेरा पहले ऑब्जेक्ट, यस यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था पहले, पहले वाला राइट। अब मैं उसको लेके आया आंखों के पास में और मैंने बीच में डाल दिया एक लेंस, आंखों के पास में लाया और एक लेंस डाल दिया, ग्रेट है ना। तो अब क्या होने वाला है, अब होने ये वाला है कि ये जो लेंस है, यस, इस लेंस का फोकल लेंथ मान लो यहाँ पे है, हमको ऐसे ही डिस्टेंस पे लेना है या ऐसा फोकल लेंथ लेना है जो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है ताकि वर्चुअल इमेज आ जाए, यस। चलो अब यहां ध्यान देना, दिस एंगल, द एंगल मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट एट द लेंस या फिर एट द आई, एक ही बात है, आई लेंस को चिपकी हुई है, आई और लेंस अलग अलग नहीं है, बहुत चिपके हुए है ना, डायग्राम में दूर दूर दिखा रहे, बट एक ही बात है, वेरी गुड। दिस एंगल इज नथिंग बट बीटा, दिस एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यही है, सिर्फ उसको हम पास में लेके आए, पास में लेके आए तो एंगल चेंज होने वाला है, ऑफ कोर्स चेंज होने वाला है, तो एंगल हो गया इस बारी बीटा, यस। और अब इमेज कैसे बनेगी, ये देखो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यस, पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये इधर कहीं तो फोकस से जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, डायग्राम पे इतना फोकस मत करो, ओके। रे नंबर टू, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, और ये दोनों डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये मिलने वाले तो है नहीं, इनको अगर मिलाना है तो आपको उल्टा लेकर के जाना पड़ेगा और यहाँ पर मिलवाना पड़ेगा, यहाँ पर बना बच्चों आपका इमेज, यस, वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड, है ना, तो आपको इतना बड़ा इमेज दिखाई देगा। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या हो रहा है, यस, यस सर, ओके। सो टैन बीटा, यहाँ पर अगर मैं बीटा का टैन ले लू तो टैन बीटा क्या होता है, ऑपोजिट, दैट इज एच डैश एच ओ अपॉन अपॉन एडजेसेंट इज यू, ये यू यू ओ यू ओ, यस यू ओ, यस यू ओ, ओ रहने दो अभी, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ओ का काम आएगा फिलहाल, इसलिए ओ रहने दो। वट इज यू, यू इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये 25 है क्या, नहीं 25 से बहुत कम होगा, बहुत कम होगा 25 से, यस, दैट इज नथिंग बट दिस। तो कैन आई से बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यस इट इज वेरी वेरी स्मॉल, यस, ये तो और भी छोटा रहेगा, यस, देयरफॉर टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू एच ओ अपॉन म्यू, म्यू नहीं रे बाबा, यू है वो, ओके, आई एम सॉरी, यू, fine, this is the definition of or formula for beta. Ajao magnification mein, magnification bolta hai beta upon alpha. Now what is beta? Beta is the visual angle made by the object, yes, at the eye, eye ya lens, lens pe jo object banata hai angle, that is called as beta. Very good. What is beta? Beta is nothing but, guys, यहां से देखोगे आप तो height of object upon u, yes, height of object upon u divided by, ये था height of object upon d, yes, height of object से height of object कटेगा d by u. So magnification is nothing but d upon u for a simple microscope, yes. That is the magnification where d is the least distance of distinct vision and u is the distance of the object from the lens. Lens se object kitna dur hai. Ye hai aapka main formula for magnification. Isme do cases banne wali hai. Before we discuss that, aap batao ki aapko har ek cheez samjhi ya koi doubt hai to wo bhi poocho. Come on. Ab dhyan do acche se. Kya ye image? Acha ye image hai na? This is my image. This is my इमेज, क्या ये इमेज मुझे क्लियरली दिखाई देगी? नहीं,
अरे हाँ दिखाई देगी, लेकिन लेकिन वो इमेज मुझे और अच्छी कब दिखाई देती, वो इमेज मुझे और अच्छी तब दिखाई देती बच्चों जब वो इमेज यहां पे बनती। अगर वो इमेज यहां पे बनती, अगर है ना एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 अगर वो बनती है ना, तो वो इमेज मुझे अभी जो दिखाई दे रही है बड़ी, उससे भी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है ना। अरे हाँ कि नहीं, देखो हमने स्टार्टिंग में शुरुआत ही वहां से की थी, शुरुआत ही कि देखो इमेज यहाँ पे है अच्छा तो भी अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे कुछ है तो भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर है तो बेस्ट विजन है, बेस्ट विजन है ना। अभी देखो मैंने जानबूझ के ना ये दो डायग्राम्स प्रॉपरली सेट करके लिया है, ओके सो दैट आपको बहुत क्लियरली मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं, राइट। अभी देखो फिलहाल इमेज कहाँ बन गई मेरी, यहाँ पे बनी। हाँ अच्छी बात है, बड़ी दिख रही है, सब ठीक है, मस्त दिख रहा है इमेज, सब सही है, लेकिन इमेज और अच्छे से दिखाई दे सकती थी मुझे अगर इमेज डी पे बनती तो। अगर इमेज डी पे बनती तो मुझे बेस्ट इमेज दिखाई देती, यस। तो मैग्निफिकेशन, यस, इमेज अगर डी पे बनती है तो मैग्निफिकेशन सबसे अच्छा होता है, यस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा अगर इमेज डी पे बन रही है, यस। मैग्निफिकेशन के आएंगे बच्चों दो केसेस, यस। चलो मैं अगले पेज पे ही डिस्कस करता हूं। क्या ये चीज आपको समझ में आई कि अगर इमेज यहां बनती, आप यार आपके लैंग्वेज में ना प्लीज लिखो ऐसे के ऐसे डायग्राम बनाना एक के नीचे एक, राइट। और मैं यहां डॉटेड बना रहा हूं, डॉटेड ग्रीन कलर का, यस। अगर इमेज यहां बनती, दैट इज एट डी अगर इमेज बनती तो बेस्ट विजन होता, बेस्ट विजन होता, बेस्ट विजन मतलब इमेज सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट दिखाई देती, ओके। अब मान लो मुझे यहां पर इमेज चाहिए, मुझे यहां पर इमेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या यहां पर अगर इमेज चाहिए तो फिर क्या कंडीशन होगी, मैग्निफिकेशन कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे, लेट्स कम हियर, केस वन, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट द नियर पॉइंट, अच्छा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन, ओके। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन को नियर पॉइंट भी बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, यहाँ पे इसको नियर पॉइंट बोला जाता है, ओके ध्यान देना अच्छे से, राइट। तो अगर नियर पॉइंट पे आपको इमेज चाहिए तो क्या करना होगा, हमको एम का फॉर्मूला क्या मिला है, एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू, वेरी गुड। तो वी की वैल्यू कितनी है, वी वी इज नथिंग बट इमेज है ना, ये देखो ये है मेरा लेंस, वेरी गुड, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, यस, और ये है मेरा इमेज, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट यू, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट वी, है ना। तो वी कितना होना चाहिए, वी होना चाहिए इक्वल टू माइनस डी, एंड यू कितना है, यू तो यू नॉट है, हमने यू को यू नॉट बोल रखा है, ओके। तो फॉर्मूला लगा दो यार, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन अपॉन, वी के बदले में डाल रहा हूं माइनस डी और यू के मैं बदले डाल रहा हूं माइनस यू नॉट, यस। तो यहां से मैं लिखता हूं वन बाय एफ इज इक्वल टू वन अपॉन, अरे 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 वन अपॉन माइनस डी प्लस वन अपॉन यू नॉट, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वन अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू, ध्यान देना अच्छे से, ये है यू नॉट, ओके, इसका फॉर्मूला, वन अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू वन बाय एफ प्लस वन बाय डी, ये इधर लेकर के आ गया मैं सिर्फ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया, वेरी गुड। अब ध्यान दो अच्छे से, इसकी वैल्यू मिली मुझे वन बाय यू नॉट की, व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू डी इंटू वन अपॉन यू नॉट, इसको कैसे लिखा, डी अपॉन डी इंटू वन बाय यू नॉट, दैट इज नथिंग बट डी इंटू वन बाय एफ प्लस वन बाय डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वेरी गुड, एंड दिस इज गिविंग मी, डी से मल्टीप्लाई करो डी बाय एफ प्लस वन, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाय एफ प्लस वन, या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने के लिए. यस, 1 + d/f कब होगा ये? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी. क्यों किया हमने ये केस? इसलिए किया क्योंकि नियर पॉइंट पे जब इमेज बनेगी तो सबसे सही दिखेगी. लेकिन इसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आय. यस, स्ट्रेन्ड आय. ओके, क्यों स्ट्रेन्ड आय बोलते हैं? अच्छा, ऑब्जेक्ट बच्चों यहां है तब आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन आएगा, या यहां है तब ज्यादा स्ट्रेन आएगा, या यहां है तो ज्यादा स्ट्रेन आएगा. जितना पास में होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, जितना पास में होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा. वेरी गुड. तो कहां ज्यादा स्ट्रेन आएगा? अगर इमेज यहां होती तो बेस्ट विजन होता, लेकिन लेकिन आईज पे स्ट्रेन आता, आईज पर स्ट्रेन आता. अब आप डिसाइड करो, आपको परफेक्ट विजन चाहिए या आंखों पे स्ट्रेस चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट ना, मैं जो बोल रहा हूं समझो, इस पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे. देखो यहां पे है, यहां पे है तो थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर नहीं है, नहीं है, बट आईज पर स्ट्रेन भी तो नहीं है, स्ट्रेन भी नहीं है. नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट, है ना? आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो. Yes. आपको अगर आंखों पे स्ट्रेन नहीं चाहिए, थोड़ा सा ब्लर वगैरह चलता है तो ठीक है, यहाँ पे आता है तो कोई दिक्कत नहीं. और अगर आपको बेस्ट विजन चाहिए तो आपको यहां लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा तो आपको क्या चेंज क्या करना है, चेंज क्या करना है भैया? ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है. चेंज तो सिर्फ आप एफ कर सकते हो, है ना? मतलब अगर आपको एग्जैक्टली नियर पॉइंट पे इमेज चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर लेंस को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस लगाया जाए इसका डिसीजन आपको यहां से लेना होगा. यस yes? देखो आप मार्केट में जाओगे, वन सेकेंड, है ना? मार्केट में जाओगे ना, अमेजोन पे चेक करना कभी, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप फॉर स्टूडेंट्स वगैरह, तो 300-400 रुपए का माइक्रोस्कोप मिलता है, पता है? 300 रुपए का सिर्फ. Literally, you will get microscope for 300-400 ऐसे toys वाले microscope, है ना? कुछ नहीं दिखता उसमें. Yes, उल्लू बनाते, छोटे बच्चों के खेलने का होता है. दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बट कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें जो लेंस यूज किया होता है वो घटिया होता है ना? आपके फोन इतने एक्सपेंसिव क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें जो लेंस यूज करते हैं वो जबरदस्त क्वालिटी के होते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एक्सपेंसिव. वाई? बिकॉज उसमें लेंसेज दो दो, तीन तीन, चार चार होते हैं, दस दस होते हैं, है ना? तो बेसिकली जो लेंस यूज करने हैं वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी माइक्रोस्कोप की कॉस्ट, क्वालिटी, एवरीथिंग. अब रेशमी बोल रही है, सर स्ट्रेन्ड आय कैसे क्या हुआ? ये तो नियर पॉइंट पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे तो क्लियरली दिखता है. हाँ, कंपैरेटिवली इन दो पोजिशन में आप कंपेयर करो, यहाँ पे और यहाँ पे. क्लैरिटी यहाँ ज्यादा है लेकिन कंपेरेटिवली स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा. एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेन वेन है नहीं, थोड़ा सा. Yes, comparatively is what I am saying, है ना? Comparatively इसको बोलते हैं strained eye. Yes, और यहाँ पे इसको बोलेंगे थोड़ा relaxed होता है, मतलब थोड़ा कम strain है. तो थोड़ा सा दूर रहता है तो भी चलता है ना यार, क्या फर्क है ना? कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो वो बिल्डिंग को मैं आराम से देख सकता हूँ, दूर है. पास में आ गया तो थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाता है आपको. यस, बहुत ज्यादा strain. लेकिन तब हम माइक्रोस्कोप यूज करते तभी स्ट्रेन नहीं आता है इसमें ना? नहीं नहीं नहीं, दैट्स व्हाट मैं आपको कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ कब से, है ना? इन दो पोजीशंस को कंपेयर करो बच्चा, सिर्फ इन दो पोजीशंस को, दैट्स इट, है ना? आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है. और अगर आपने सही में माइक्रोस्कोप यूज किया है ना तो ये आंखों पे स्ट्रेन आएगा, है ना? जितना क्लियरली आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट उतना थोड़ा ज्यादा ज्यादा स्ट्रेन आता जाएगा. आपने कितनी देर देखा होगा माइक्रोस्कोप में? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट. यस, तो जस्ट हैव अ लुक एट इट फ्रॉम अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ दीज टू पोजीशंस, दैट्स इट. यस, ऐसे तो लीस्ट डिस्टेंस नॉर्मल, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन बोला ही क्यों है फिर? क्योंकि स्ट्रेन नहीं आता 25 के डिस्टेंस पे. यस, लेकिन हमारी इमेज कहां बनी? हमारी इमेज यहां पे बनी. और हमको दो केसेस बनाने थे कि यार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे बनाना है तो क्या,
तो बनाना है तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन क्या उसका कोई डिसएडवांटेज है? इतू सा, थोड़ा सा कि आंखों पे स्ट्रेन आ सकता है ना, कंपेरेटिवली आंखों पे स्ट्रेन आएगा, वो उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज। यस, अब बोलो कोई डाउट है? केस नंबर टू, इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे बनता है, इमेज इंफिनिटी पे बनता है मतलब बहुत दूर बनता है, इंफिनिटी मतलब नॉट रियली इंफिनिटी, बहुत दूर, बहुत दूर बनता है, उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। ओके, कब बनेगा यार इमेज इंफिनिटी पे? इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, है कि नहीं? ओके, देखो यहां पे फिगर, फिगर बना देता। ओके, दिस इज योर लेंस, लेंस और आई एक ही है, तो मैं लेंस ड्रॉ करूंगा, लेंस को चिपक के आपकी आईज है यहाँ पे, यस, लेंस को चिपक के यू हैव योर आईज, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, फोकस के ऊपर ही रख दो ऑब्जेक्ट को, यस, फोकस के ऊपर, फोकस के ऊपर ही रखेंगे क्या? थोड़ा सा, थोड़ा सा इधर, फोकस के थोड़ा सा, इतना सा, इतना सा इधर रखेंगे, है ना? तो मान लो फोकस पे रखता हो, तो फोकस पे रखूंगा तो ये गया आपका इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड, और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, है ना? तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल, पैरेलल चले गए दोनों एक दूसरे से, मतलब इंफिनिटी पे इमेज बनी, लेकिन ये तो दूसरे साइड में बन गई, है ना? यस, तो अगर आपको इंफिनिटी पे इमेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? केस नंबर टू। अच्छा, पहले थोड़ा सा और बताता हूँ, बाद में फिर मैं उसको टेक्निकली या डायग्राम के बेसिस पे या कॉन्सेप्चुअली और समझाता हूँ, पहले मैं आपको केस बना के दे देता हूँ, है ना? केस में क्या रहेगा कि वी, अच्छा वी कहाँ चाहिए आपको? इंफिनिटी पे, द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, सी इमेज एट इंफिनिटी, तो वी इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया। यू कितना है? यू विल बी यू नॉट, U को आप U नॉट ही ले लो कि कहां रखना पड़ेगा। ओके, इसको मैं छोड़, इसको हटाई दो, इसको हटाई दो, U U नॉट पे रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां आ जाओ, 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U, very good, तो यहां से equal to 1 by V कितना है? 1 by infinity minus 1 upon U नॉट, yes, तो यहां से हो जाएगा 1 by F is equal to, ओके सॉरी ये माइनस होना चाहिए, हाँ ये माइनस U नॉट, तो माइनस माइनस प्लस आना चाहिए फिर, यस, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय, हमारा क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का? हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है डी अपॉन यू, यस, विच इज नथिंग बट डी इनटू 1 बाय यू, 1 बाय यू इज नथिंग बट 1 बाय एफ, तो 1 बाय यू के बदले में डाल देता हूं 1 बाय एफ, यस, विच इज नथिंग बट एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, D upon F, मतलब that is nothing but यहां से क्या आ गया देखो, U is equal to F, मतलब focus पे रखना पड़ेगा, focus पे रखोगे तो infinity पे आपको image बनती हुई दिखाई देगी, yes, so for image to be at infinity, magnification का formula रहेगा D by F, where F is the focal length, तो again आपकी जो focal length है, yes, किसकी lens की, उस पर depend करेगा कि क्या image यहां बनती। चलो मैं कुछ सिमुलेशन से बताता हूँ हो क्या रहा है, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से समझो, है ना? So, आगे बढ़ते हैं, दो केसेस हमने देखी, यस, सिंपल माइक्रोस्कोप इन अ नटशेल, क्या देखा हमने इसके लिए? हमने इसके लिए देखा कि मैग्निफिकेशन पावर होता है डी अपॉन यू नॉट, डी अपॉन यू नॉट में बच्चों आती है दो केसेस, कैसे लिखे, ओके चलो आई विल टेक इट लाइक दिस ओनली, इसमें आती है दो केसेस, केस नंबर वन, केस नंबर वन इज फॉर योर स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, इसमें क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एम डी लिखा जाता है इसको, इसको मोस्टली एम डी लिखते हैं, ओके गिव मी वन सेकेंड प्लीज, इसको लिखते हैं एम डी, डी मतलब क्या, मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज एट डी, इमेज जब डी पे फॉर्म हुआ, क्या आया हमारा फॉर्मूला, वन प्लस डी बाय एफ ओ, एफ ओ लिखो या एफ लिखो फिलहाल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर टू, केस नंबर टू का दोनों फॉर्मूला रिलैक्स्ड आई, अच्छा ये दोनों फॉर्मूला आपको याद चाहिए, इसको लिखते हैं एम इंफिनिटी,
एम इंफिनिटी मतलब इमेजेस फॉर्मड एट इंफिनिटी, और इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, डी बाय एफ, एज सिंपल एज दैट. ओके, अब इसमें क्या है केस, ये जो है ना ये दिस इज कॉल्ड एज, अच्छा कहां पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, वेयर इज, वेयर डू वी गेट द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. यस कम ऑन, इमेज का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां पे मिलेगा एंड व्हाई. यस यस एनीवन, एम इंफिनिटी का नहीं, दिस केस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. यार क्लियर है, देखो फॉर्मूला देखो, इसका मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी बाय एफ, इसका मैग्निफिकेशन है डी बाय एफ, कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ऑब्वियसली दिस इज 1 प्लस, तो ये 1 से बड़ा ही रहने वाला है, ये तो छोटा भी हो सकता है ना. सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो फॉर्मूला से ही देख लो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यहां मिलता है, और दिस इज नथिंग बट मिनिमम मैग्निफिकेशन. ओके, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, फिगर में तो ऐसे लग रहा था कि यार यहाँ पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो इंफिनिटी पे हो रहा था, एनीबॉडी ऐसा क्यों. चल समझ में आया कैसे. यस, तो इसीलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पे, फॉर्मूला से भी देख लो तो आपको वही पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो रहा है. तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब जो आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, and it will always be greater than or equal to d by f. ये होगा जब m infinity पे बनेगा, magnification less than equal to md. Yes? And this is the entire, I guess, story of, absolutely. This is the entire story of simple microscope. एकदम simple है, simple microscope है, एकदम simple है. Numericals और भी सिंपल होते हैं, देखो फटाफट बनाएंगे numericals. सर तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज डी के आगे नहीं बनती क्या कभी? डी के आगे हम लोग लेते नहीं है, मतलब आप माइक्रोस्कोप को ऐसे डिजाइन करो. यस, व्हाइल वी आर टॉकिंग ऑफ प्रैक्टिकल, द बेस्ट इमेज यू विल गेट एट डी, डी के आगे बन सकती है, बहुत दूर बन गई तो दिखेगी नहीं, या पार्टली दिखेगी पार्टली नहीं दिखेगी, बहुत दूर बन गई राइट, और बहुत दूर बनने का चांस ही नहीं है, डिस्टेंस ही बहुत कम होता है ना माइक्रोस्कोप और आपके आई में वगैरह वगैरह, राइट, द डिस्टेंसेस आर सो मैनेज्ड कि बहुत दूर बनने नहीं वाले, राइट. तो बेस्ट मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, बनेगा डी के पीछे भी बन जाएगा. यस, चलो क्लियर है, जानने आगे बढ़े पक्का. यस सर. चलो, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ओके सो फोकल लेंथ दे रखा है इसका 15 सेंटीमीटर, इज यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक लेंस है, दैट्स इट. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट डी एंड इंफिनिटी, तो व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट डी द इज 1 प्लस डी बाय एफ, है ना. सो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस डी कितना है 25, ये हमको पता होता है डी इज 25 सेंटीमीटर एंड एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 1 प्लस 5 5 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 2 0 6 6 approximately, yes, which is nothing but 2.66 या 2.67 लिख दो तो भी चलेगा. ये है magnification when it is kept at d, and the magnification when it is kept at infinity is d by f, which is nothing but 1.66. yes, as simple as that, एकदम simple, straightforward. Almost सारे questions straightforward बन जाएंगे. A stamp collector uses convex lens with a focal length of this much as a simple magnifier. Magnifying glass, stamp collector है ना, तो stamp collector को stamp बहुत छोटा रहता है, दिखता नहीं है उसके ऊपर क्या लिखा है, बहुत छोटा लिखा रहता है, तो magnifying glass use करता है. तो magnifying glass is a simple microscope. इसका focal length दे रखा है आपको 6.2 सेंटीमीटर. बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, ओके टेक द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन एज 25 एंड द इमेज टू बी फॉर्मड एट इंफिनिटी, ओके तो एफ इंफिनिटी निकालना है, डी बाय एफ इज द फॉर्मूला, डी होता है 25 और दिस इज 6.2, जो भी आंसर आएगा दैट इज द मैग्निफिकेशन, एकदम सिंपल है ना. अगला सवाल देखो, तो अच्छा कोई डाउट है क्या,
फटाफट सवाल ले रहा हूँ, क्लियर? एकदम इजी। ओके, अ लेंस यूज्ड एज अ सिंपल मैग्नीफायर गिव्स अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 6। ओके, तो मैग्नीफाइंग पावर दे रखा है 6। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? अच्छा, एफ पूछ लिया इस बारी। टेक द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन 25। तो डी इज 25 एंड द इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी। यस, सिंपल। यस, तो एम इंफिनिटी इज इक्वल टू 6, एफ इन ये होता है डी बाय एफ इज इक्वल टू 6। खत्म यार, यहां से एफ निकाल लेना। अगला सवाल, चल। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अरे रट लो सारे फॉर्मूला साथ साथ में। फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इज इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। एम डी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। तो 1 प्लस डी कितना है, 25 अपॉन एफ इज 2। सो 1 प्लस 12.5, सही है, 13.5 इज द मैग्निफिकेशन। है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली, एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया। आइडियली आइडिय बहुत ज्यादा हो गया मतलब ठीक है, अभी वो क्वेश्चन में आया तो क्या कर सकते हैं, आया तो आया है। लेकिन आइडियली एक सिंपल माइक्रोस्कोप आपको 9x का मैग्निफिकेशन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं देता है ना, उससे ज्यादा नाइन का मैग्निफिकेशन दे सकता है। उससे ज्यादा चाहिए तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। यस, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, अगर 9x का मैग्निफिकेशन चाहिए या 9x से भी ज्यादा का मैग्निफिकेशन चाहिए तो डेफिनेटली लेंस महंगा आएगा। लेंस महंगा आएगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप महंगा आएगा, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ही माइक्रोस्कोप का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। राइट, आप बोलोगे 15x का मैग्निफिकेशन दो, है ना? यस, तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये ले 15x का मैग्निफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मुझे 1,00,000 रुपए दे दे। ठीक है, आप बोलोगे भाई साहब ये तो लूट रहा है मतलब, है ना? यस, तो उससे अच्छा आप क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है जाने दो, मैं ना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप खरीदूंगा। यस, जिससे मुझे 15x का मैग्निफिकेशन मिल जाएगा और उसका कॉस्ट रहेगा 70,000। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही फिगर्स दे रहा हूं, है ना? तो सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर आपको इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा आपका लेंस का, लेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेंस का क्वालिटी बढ़ जाएगा, है ना? उससे अच्छा आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप खरीद लो जिसका कॉस्ट कम हो जाएगा। सो सिंपल माइक्रोस्कोप में आइडियली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए 9x का मैग्निफिकेशन बन जाता है। ओके, ओके। A convex lens used for a simple microscope has a focal length of 2.5. F is equal to 2.5. Find its magnifying power for image formed at least distance. Hey, अरे homework करो यार, वही है, ठीक है? Homework. Do it as homework. Yes, do it as homework. Okay. For relaxed viewing, मतलब M infinity. For maximum magnification, मतलब MD. Homework. ठीक है? सेम क्वेश्चन है। मैन विद नॉर्मल आई रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट डिस्टेंस दैट ही कैन रीड द बुक विद व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास से व्यू करके कितना क्या रीड कर सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन? चलो पहले तो मुझे ये अभी सॉल्व करके बताओ। एवरीबॉडी कम ऑन, डू इट। पहले क्वेश्चन 2 कर लो, ये लड्डू है आपके लिए, है ना? व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डी एम डी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। कितना हो जाएगा ये 1 प्लस डी बाय एफ? 1 प्लस 25 बाय 5 व्हिच इज नथिंग बट 6। वेरी गुड। और एम इंफिनिटी बता दो डी बाय एफ व्हिच इज 25 बाय 5 व्हिच इज 5। अब जानना और बाकी भी लोग, है ना, वैल्यूज देखो जरा मैग्निफिकेशन की, है ना? एम में एक और सिमुलेशन दिखाऊंगा, ठीक है? और आपका जो माइंड में था ना कि यार ऐसे क्यों, राइट? तो वर्चुअल इमेज के लिए इसका मैग्निफिकेशन क्यों छोटा है ये मैं आपको और एक बताता हूँ। होने दो पहले ये खत्म, फिर बताता हूँ बाद में, या तो जो भी ये है वो भी खत्म हो जाएगा कंफ्यूजन। हैव अ लुक एट दिस। डी पे रखने के बाद या जब मैग्निफिकेशन डी पे इमेज मिल रही है तो मैग्निफिकेशन आपको 6 मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन 5। बोर्ड में अगर आपको पूछे कि आप कौन सा चूज करोगे तो कौन सा चूज करोगे, विच वन विल यू चूज? यस,
विच वन? अच्छा चलो यार चॉइस तो खैर जाने दो, यहाँ पे आईज पे स्ट्रेन आएगा थोड़ा सा कंपेरेटिवली, ओके कंपेरेटिवली, इन दोनों में कंपेरिजन बात चालू है ना, स्ट्रेन ऑन द आई थोड़ा सा और ये रहेगा रिलैक्स्ड आई थोड़ा सा. अब अगर 5-6 मैग्निफिकेशन में कितना ही डिफरेंस आ गया, मिनिमम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, बोलने के लिए मिनिमम मैक्सिमम है ना, वैल्यू देखो 5-6 क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, मतलब कितना ही फर्क पड़ जाएगा. इफ दिस मच मैग्निफिकेशन इज ओके विथ यू विद अ रिलैक्स्ड आई तो चूज दिस वन है ना, सो यू शुड चूज दिस वन. ओके अब यहां देखो इसको ना मैं जरा अगले पेज पे डाल देता हूं. रेशमी गिव मी वन मोमेंट प्लीज, इसको मैं अगले पेज पे डाल देता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन, और इसको मैं यहां से कर देता हूँ इरेज. ओके यस अब ध्यान दो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज आया मुझे फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर बताओ. अच्छा सर, क्या पूछा है, क्लोजेस्ट क्या पूछा है ये बताओ पहले, पूछा क्या है सर, ऑब्जेक्ट कौन से डिस्टेंस पे रखना चाहिए ताकि इमेज यू की वैल्यू विजिबल हो. मैग्निफाइंग ग्लास विद अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस मच, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फार्देस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक व्हेन वीविंग थ्रू द मैग्निफाइंग ग्लास. मतलब क्या सीन है, मतलब सीन ऐसा है कि मान लो उसकी आईज यहां पर है, यस ये है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, दिस इज योर नॉट रियली, ये है आपका बुक, दिस इज योर बुक है ना, ये बुक कितने दूर रखा जाए, यू नॉट कितने दूर रखा जाए कि आपको सही से रीड करना पॉसिबल होगा. What is the closest and farthest? ये है closest कि भाई कितने पास में रखा जाए कि clearly दिखाई देगा और कितने दूर रखा जाए कि clearly दिखाई देगा, है ना? What is the closest and farthest distance at which he can read the book when weaving through the magnifying glass? कितने दूर रखे, कितने पास रखे? Okay, ध्यान देना यहाँ पे, है ना? ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया. One by one solve करते हैं, concept भी समझो और क्या हो रहा है ये भी समझो. First case. U is equal to minus U naught, है ना? मान लो U naught पे रख रहा है, मान लो U naught पे रखा है. V is equal to minus B, clearly दिखाई देना चाहिए, clearly दिखाई देना चाहिए, तो V कितना हो गया? V हो जाएगा minus B. It has to be seen very very clearly. Okay. 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. 1 upon F दिया हुआ है 5 is equal to 1 upon minus D plus 1 upon U naught लिख देता हूँ. Yes, D की वैल्यू तो हमको पता है, 1 by 5 is equal to 1 upon minus 25 plus 1 upon U. ठीक है, तो यहां से U की वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 by 5 plus 1 upon 25 is 1 by U into 5 upon 5, 5 plus 1 6, 6 upon 25 is 1 by U. U is equal to 25 by 6. कितना आ रहा है ये? 25 by 6. How much is this? 6 4s are 24, 1 0. 6 1s are 6, 1 0. Again, now 4 0, yeah? 4.16. So, agar usko pass mein, 4.16 answer aaya. Okay, don't worry. Pehle, ab dusra wala case. Hai na? Dusra case. Kitne dur rakh diya jaye? Kitne dur? Yahan dhyan do. What is the closest and farthest distance at which he can read the book? Okay, case number 2, farthest distance at which he can read the book. Abhi far point ka concept use karna padega. What do you mean by far point? Humne dekha near point, okay? Humne dekha what is near point? Least distance of distinct vision. Kidhar hai wo? Near point. Near point is nothing but 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई. इसके बाद आता है फार पॉइंट. क्या आपने ये 10th स्टैंडर्ड में सीखा है? हाँ, नहीं मत बोल. यस, फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई. व्हाट इज अ फार पॉइंट? इंफिनिटी. यस, जहां तक आपको दिख रहा है क्लियरली दिख रहा है. इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी नहीं होता बच्चों,
होराइजन, आपकी नजर जहां तक जा रही है सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग, इन जनरल या छोटे ऑब्जेक्ट भी, बुक यहां रखो यहां तक क्लियरली दिख रहा है ना, तो वो मेरे लिए इंफिनिटी हो गया काइंड ऑफ। जहां तक आपको क्लियरली दिखता है दैट पॉइंट इज इंफिनिटी। यस, बड़ा क्लियर डिस्टिंक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल क्लियरली दिखता है, सो फार पॉइंट इज नथिंग बट इंफिनिटी। तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज बनेगी इंफिनिटी पे इन दिस क्वेश्चन। ओके, वन सेकेंड, किधर गया ये? Yes, तो यहां पे इमेज बनने वाली है। What is V? V is equal to infinity. What is U? U is equal to minus U naught. और अब find क्या करना है आपको? U naught की value. So 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. 1 upon 5 is 1 upon infinity minus 1 upon minus U naught. Clear है? Anybody any doubt? अच्छा, ये concept में doubt है क्या किसी को? कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या? 1 by 5 is equal to 1 by u naught is equal to 5 centimeter. अब अगेन देखो गाइस, डिफरेंस देखो ठीक है, 4.16 सेंटीमीटर पे बुक रखेगा। यस, 4.16 कहां से? नॉट फ्रॉम द आई, फ्रॉम द मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, ये मैंने आई से लिख दिया ना, चलेगा ना आई से, बट हमने अज्यूम किया कि आई ही मैग्नीफाइंग ग्लास भी है ना। ये डिस्टेंस कितना है? 4.16 सेंटीमीटर। यहां पे भी क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम मस्त और क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर है ना। और ये यार यहां से थोड़ा सा, अरे 5 सेंटीमीटर, 4.16 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में कितना ही डिफरेंस है भाई। यस, है ना, तो उसको मैंने इंफिनिटी बोला है। डू यू रियलाइज? तो इंफिनिटी का मतलब समझो, इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी का मतलब आप कहां तक एकदम क्लियर देख सकते हो, राइट? तो जब मैं ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखूंगा लेंस से, तो इमेज एकदम क्लियरली दिखाई देगी। अब एक काम करना, अब मैग्नीफाइंग ग्लास, आई होप आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो शायद आपके घर में हो, शायद, है ना, थोड़ा सा खेलो उसके साथ, है ना, बुक लो, बुक से मैग्नीफाइंग ग्लास को थोड़ा आगे पीछे करो। यस, ओवर अ पर्टिकुलर रेंज, इस रेंज में कोई फर्क नहीं लगेगा, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, है ना। उससे ज्यादा या उससे कम डिस्टेंस ले जाने की कोशिश करो, फिर सब कुछ ब्लर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, सब चीजें खराब होने लगेगी। सो यार लुक एट दिस डिस्टेंस, 4.16 से 5 सेंटीमीटर के बीच में इट इज। तो यही चीज बच्चों यहाँ पे भी हो रही है, जब हम बोलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, राइट? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है 6, मिनिमम मैग्निफिकेशन है 5। कितना डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस में? इतना सा। यस, वी आर टॉकिंग ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिवाइस। हमारे हाथ में यहाँ पर बुक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो इतना सा आपके पास स्कोप है उसको मूव करने के लिए, है ना। डोंट थिंक ऑफ इंफिनिटी की यार इमेज तो इंफिनिटी पे बन रही है, मतलब बहुत दूर बन रही है तो बहुत बड़ी बन रही है, नहीं, राइट? इट इज नॉट दैट केस। चलो यहां खत्म होती है शायद मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी। अब हम चालू करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एनीबडी एनी डाउट टिल नाउ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स विद टू लेंसेस, 3, 4, 5, 7, 10, 15, या बहुत ज्यादा हो गया, राइट? लेकिन है बहुत सारे लेंसेस के माइक्रोस्कोप्स। हम लोग पढ़ने वाले सिर्फ 2 लेंस वाला माइक्रोस्कोप, और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेस, तो उसमें जो किया था वही ऑलमोस्ट यहाँ करेंगे। सिर्फ इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला थोड़ा अलग रहेगा, बाकी इमेज फॉर्मेशन तो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, चल यहाँ ध्यान देना सब लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंसेस से बना होता है। लेंस नंबर 1 ये वाला, Yes, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का काम है ऑब्जेक्ट को देखना। ऑब्जेक्टिव, यस, इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तरफ होता है ऑब्जेक्टिव। एंड दूसरा लेंस होता है आईपीस। आईपीस होता है आई की तरफ, आंखों के पास,
आईपीस इज नियर योर आई. यस, आईपीस इज नियर योर आई. तो इसलिए उसको बोलते हैं आईपीस. ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. ओके, वेरी गुड. ये है आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे रख दिया छोटा सा एच. यस, रे नंबर वन आएगा यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वर्किंग सिखा रहा हूं मैं उसका, ठीक है. वैसे चलो यहां पे बताता हूं वर्किंग. दो लेंसेस होते हैं, पहला यहां पे ले लेता हूं ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. चलो ध्यान दो अच्छे से. ये है आपका ऑब्जेक्ट. रे नंबर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस. रे नंबर टू पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, यहां पर इंटरसेक्ट किए. तो क्या इसकी इमेज यहां पे बनेगी? हाँ, इसकी इमेज बनेगी यहां पे. क्या आपको मैग्निफाइड इमेज दिख रही है? हाँ, मुझे तो दिख रही है. कैसी? ए बी. इसको मैं नाम देता हूं ए बी. तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश. क्या मैग्निफिकेशन हुआ है? यस, मैग्निफिकेशन हुआ है, मैग्निफिकेशन हुआ है. कैसा होना चाहिए ये लेंस? ये लेंस होना चाहिए ऐसा. अच्छा, इसके फोकल लेंथ को हम बोलेंगे एफ ओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना. यस, इसको हम बोलेंगे एफ ओ. ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग एट अ डिस्टेंस ऑफ यू, लेकिन इसको हम बोल देंगे यू ओ. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज यू ओ. ऑब्जेक्टिव से कितना डिस्टेंस है, दैट इज यू ओ. ओके, इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे वी ओ. डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, वी ओ इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. क्या ये चीज बहुत बेसिक है और क्लियर है? हाँ. अब क्योंकि मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, यस, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका फोकस यहां पे है, इसका फोकस यहां पे है और इसका सेंटर यहां पे 2F है ना. तो हम उस लेंस को ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे पोजिशनिंग करेंगे कि द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन F एंड 2F. यस, क्यों ऐसे किया? फिलहाल के लिए, है ना. द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट बिटवीन F एंड 2F. वेरी गुड. तो यहां पे इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी. यस, यहां पे रहेगा इसका फोकस सी, दिस इज द फोकस, और यहां पे आ जाएगा काइंड ऑफ 2F, है ना. तो बियॉन्ड सी उसकी इमेज बनती है. इस तरह का हमने ऑब्जेक्टिव लिया. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होना चाहिए छोटा. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल, इट शुड हैव अ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ. क्वेश्चन में कभी भी ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो छोटा ही रहेगा. ये हो गई पूरी ऑब्जेक्टिव की कहानी, और ये ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंसेस वगैरह वगैरह सब कुछ. क्या सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है? सेकेंड, अब आएगा आईपीस. अब आईपीस हमको ऐसा चूज करना है या ऐसा लेना है जिसका फोकल लेंथ बड़ा हो. द फोकल लेंथ शुड बी बिग इनफ. ओके, इतना बड़ा हो जाए फोकल लेंथ. ध्यान दो अच्छे से, यहां रख रहा हूं. यस, फोकल लेंथ इसका इतना बड़ा हो जाए. इसको मैं एफ ओ लिख दू क्या? एफ ओ एफ ओ एफ ओ ट्वाइस ऑफ एफ ओ. यस, कि ये जो इमेज बनी है, पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. पहले की जो इमेज है वो दूसरे के लिए काइंड ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया. वेरी गुड. अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसको मैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दू क्या? ग्रीन कलर के डिस्टेंसेस लेता, है ना. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस यूई. दिस इज माय आईपीस. Yes, the distance is UE. Very good. ऐसा focal length है जिसका, अच्छा इसका focal length FE बोलता हूं. It has a large focal length. इसका focal length large रहेगा. Okay, इसको हटा रहा हूं. मान लो ये है इसका focus, ये वाला. इसको red बना देते हैं और इसको green. See, this is the focus of eyepiece and this is the optical center of eyepiece. Now the object is placed where? Where is the object placed? The object for the eyepiece is between focus and optical center.
will this eyepiece act as it will act as a simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ कि नहीं? ये तो पूरी सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी थी. तो दो लेंस क्यों लगा दिए? अरे पहले ने थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया ऑलरेडी, पहले ने थोड़ा मैग्नीफाई करके दिया, दूसरा उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, है ना. तो अब दूसरे का इमेज कहाँ बनने वाला है? दूसरे का इमेज, वेर इज योर आई? आपका आई यहां पर है, चिपक के आई पीस को, चिपक के आई पीस के पास में आई. सो दिस इज योर, there is no gap between the eye and the eyepiece, ऐसे हम assume कर रहे फिलहाल. चलो image बनाते हैं, कैसे बनेगा. हाँ okay, yellow color दिखेगा नहीं, black color, green ही लेता हूँ, green. okay, ray parallel to the principal axis, है ना, passing through the focus. कैसे करे? focus यहाँ पे ले लेता हूँ इसका, है ना, this is the focal length. yes, तो मान लो यहाँ से pass करेगा, ऐसे यहां से पास करेगा. थोड़ा सा डायग्राम बनाना ट्रिकी हो सकता है, ध्यान दो. ओके, दूसरा ये यहां से पास करेगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अनडेविएटेड आई को दिखेगा. ये दोनों तो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये कभी मिलने वाले हैं क्या? कभी नहीं मिलने वाले. तो आई को ये कहां से आते हुए दिखेंगे? आई को ये आते हुए दिखेंगे कहीं तो यहां से. जस्ट हैव अ लुक, एकदम मस्त डायग्राम बना है ना. कहीं तो इसको एक्सटेंड करो, कहां ये मिलेगा मुझे नहीं पता. ओके, जहां भी मिलेगा वहां से आता हुआ दिखेगा यहां से, है ना. तो फाइनल इमेज आपकी बनने वाली है समवेयर ओवर हियर. दिस इज माय फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इसको मैं बोल दूंगा ए डबल डैश बी डबल डैश, फाइनल इमेज, है ना, यहां से आती हुई दिखाई देगी. क्या सब लोगों को वर्किंग क्लियर है कैसा है? और आई को दिखेगी इतनी बड़ी मैग्निफाइड इमेज. दैट इज हाउ मैग्निफाइंग ग्लास, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क्स. एंड ये जो आईपीस है ये तो एग्जैक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा. फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हाँ बिल्कुल, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा वही इसका भी फॉर्मूला रहेगा. Yes, so that is the working. Working में कोई डाउट किसी को? तो मैं आगे बढ़ू, आगे कुछ टेक्निकल चीजें दिखाता हूँ. Yes, इमेज तो उल्टी बन गई. देखो इसकी भी इमेज, हाँ वो टेंशन मत लो. एक और लेंस होता है. एक लेंस और रहेगा जिसको लगा करके उसका इमेज हम सीधा कर लेते हैं. ओके, हमारे फिगर्स में, हमारे डायग्राम्स में दिखाई नहीं देगा, एक्चुअल में एक और लेंस रहेगा. ओके, तो उसकी वजह से इमेज सीधा ही बनने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. इमेज इरेक्ट बनता है, देयर इज वन मोर लेंस दैट इज बीइंग यूज्ड, लेकिन उसका काम कुछ नहीं होता, उसका काम होता है इमेज को सीधा बनाना विदाउट चेंज इन साइज. यस, एक और लेंस जो हम यूज करेंगे जिसका साइज प्रैक्टिकली जो साइज को अफेक्ट नहीं करेगा आपके, जिसका काम रहेगा सिर्फ इमेज को इन्वर्ट करके आपको देना. क्लियर है एवरीबडी? यस, सो कोई डाउट है तो पूछो. यस, yes? ये देखो यहाँ पे इसका डायग्राम बना, कहीं पे भी आ सकता है, ये इधर आएगा, इधर आ सकता है. दैट्स ओके, वो डायग्राम पे डिपेंड करेगा. अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत 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 फायदा होगा. वेरी गुड, आ जाओ अब कुछ डिस्टेंसेस देख लो वापस एक बार. वंस अगेन फ्यू डिस्टेंसेस, ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट UO, ये है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, उसको मैंने बोला VO. दिस इज UE, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द आईपीस, और इसको VE बोल दू क्या फिर? इतना बड़ा, ये है आपका VE, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस. ओके, ये जो डिस्टेंस होता है इसी पे लिख के दे देता हो, the distance between the objective and the eyepiece, the distance between the objective and the eyepiece is called as length of microscope. Compound microscope of course, है ना, so it is the length of microscope. क्या है ये? अरेंजमेंट एक पाइप के अंदर रहता है ना,
एक पाइप पाइप है, माइक्रोस्कोप क्या है, एक पाइप है, यहाँ पे एक लेंस रहेगा, यहाँ पे एक लेंस रहेगा, ये दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसको मैं लिखता हूं एल इज इक्वल टू, क्या है इस ये डिस्टेंस, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस गाइस, इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू वीओ प्लस यूई। ये देखो वीओ क्या है, यहां से इमेज का डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस, सो दिस इज नथिंग बट वीओ प्लस यूई। मॉड के अंदर लिखा क्योंकि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप लेते वक्त साइन नहीं कंसिडर करना, लेंथ है वो, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, है ना, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या सारे डिस्टेंसेस एवरीथिंग एवरीथिंग इज क्लियर? तो हम कुछ टेक्निकल फॉर्मूलास की तरफ जाते हैं टू स्टडी मैग्निफाइंग पावर, है ना। चलो व्हाट इज अल्फा, अल्फा तो अल्फा है भाई, अल्फा तो हमको पता है, व्हाट इज अल्फा, ओके, व्हाट इज द मैग्निफाइंग पावर, एम लिखता हूं सिर्फ, ओके एम, व्हाट इज मैग्निफाइंग पावर एम, मैग्निफाइंग पावर एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट द विजुअल एंगल, विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, एट द नेकेड आई, नेकेड आई, व्हेन 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 ऑब्जेक्ट इज एट डी, ऑब्जेक्ट इज एट डी, बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, है ना, बड़ा वाला डेफिनेशन लिख दिया कि दैट इज नथिंग बट द विजुअल एंगल अल्फा। वेरी गुड, तो अगर विजुअल एंगल अल्फा है, व्हाट इज बीटा, बीटा इज नथिंग बट द विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, यस, एट द आई, फाइनल इमेज आंखों पे जो एंगल बना रहा है दैट इज नथिंग बट बीटा। ओके आ जाओ यहां पे डायग्राम में, ये है आपका फाइनल इमेज, ओके इसको गंदा नहीं करूंगा मैं, इसको गंदा करते हैं, इनके डायग्राम को गंदा करते हैं, हैव अ लुक, दिस इज द फाइनल इमेज, वेरी गुड, दिस इज द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ने आंखों पे क्या एंगल बनाया, ये, यस, थीटा जो दे रखा है दैट इज नथिंग बट बीटा, इसको मैं बोलूंगा बीटा। इसका लेंथ मैंने क्या बोला, ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट वी ई, काइंड ऑफ, या डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द आईपीस, वेरी गुड। तो कैन आई से टैन बीटा, टैन बीटा निकालो, टैन बीटा, टैन ऑफ बीटा, अच्छा और एक चीज देखो फिर, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना यार, है ना, वेर इज एंगल बीटा, वेर इज एंगल बीटा, ये है एंगल बीटा, है ना, तो क्या मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये वाला ट्रायंगल छोटू टैन बीटा निकालने के लिए, बीटा तो ये एंगल है, एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज, यस, लेकिन यहां पर भी आ जाओ, यहां पर भी देख लो, राइट, दिस 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 एंगल इज माय बीटा, दिस एंगल इज बीटा, करेक्ट, तो ये बीटा एंगल के लिए मैं ट्रायंगल लेता हूं ए, सॉरी ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, तो मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, अच्छा डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ओके डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ए डैश बी डैश ओ टैन बीटा इज इक्वल टू, क्या आएगा यहां से देखो, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यूई, यस, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज, अच्छा वेरी गुड, और एक चीज देखो फिर यहां से, अच्छा नाउ वन सेकेंड, ना गिव मी वन मोमेंट, ध्यान देना अच्छे से, व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, ये क्या है, लेंस है, नॉर्मल लेंस है, नॉर्मल लेंस, ओके यहां बना देता हूं, यहां यहां देखो, इधर बना रहा हूं, ऑब्जेक्टिव की कहानी, ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट में कहानी, ये ऑब्जेक्टिव, ओके यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, यहां पे इसने बनाई इमेज ए डैश बी डैश, तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज दैट इज ए डैश बी डैश upon size of object that is nothing but AB, A dash B dash that is nothing but AB, and this is also equal to, bacha, this distance is
यू ओ एंड दिस डिस्टेंस इज वी ओ, है ना. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ. यस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ. वेरी गुड. अब आ जाओ यहां से यहां पे. यस टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, है ना, ये वाला चीज. और यहां से व्हाट इज ए डैश बी डैश इक्वल टू, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू ए बी. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, यस अपॉन ए बी. वेरी गुड. तो क्या मैं यहां से ये वैल्यू, कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर? यस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू यहां पे. यस कैन आई राइट टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. ए डैश बी डैश के बदले में लिख रहा हूं वी ओ यू ओ इंटू ए बी डिवाइडेड बाय यू ई. यस दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा. थोड़ा सा ट्रिकी है बट उसको अच्छे से समझो. अगेन ध्यान से, व्हाट इज टेन बीटा? छोटे ट्रायंगल में हमने लिया ए डैश बी डैश अपॉन यू ई. ऑब्जेक्टिव की कहानी, हमको क्या करना है, एक चीज थोड़ा सा रिमेंबर करना रहेगा आपको कि ए डैश बी डैश को हटाना है. ओके ए डैश बी डैश को हटाना है, जो पता है वो चीजें इंट्रोड्यूस करना है हमको. क्या क्या पता है? ओके यहां देखो ये क्या, ये सब पता रहेगा, ये सब हमको पता है. मैं फिर से यहां लिखता हूं बीटा इज इक्वल टू वी जीरो यू जीरो इंटू ए बी. ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू ई, है ना. तो ये जो बीच में इमेज बनने वाली है ए डैश बी डैश, उसके बारे में हमको तो कुछ नहीं पता, है ना, तो उसको एलिमिनेट करना है. तो हमने बोला ठीक है आ जाओ ऑब्जेक्टिव के ऊपर. ऑब्जेक्टिव में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट. फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेस, है ना, बेसिक मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेस. यस लेंसेस की बेसिक मैग्निफिकेशन की कहानी. यहां से हमने ए डैश बी डैश की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना, तो हमको मिल गया वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज इक्वल टू दिस. वेरी गुड. नाउ व्हाट इज अल्फा? भाई टेन अल्फा तो हमको पहले से ही पता है. व्हाट इज टेन अल्फा? टेन अल्फा इज नथिंग बट डी अपॉन यू नॉट. व्हाट इज टेन अल्फा? टेन अल्फा इज इक्वल टू डी बाय यू नॉट, है ना, सही है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? वन सेकंड, या डोंट राइट टेन अल्फा लाइक दैट. टेन अल्फा को आप ऐसे लिख दो स्टार्टिंग में, है ना. टेन अल्फा कैसे आया? ये है आपका आई. ओके यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया. व्हाट डिस्टेंस? डी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे एच, यू नहीं एच आना चाहिए. ओके वही लिख रहा हूं बट यहां पे बता करके. दिस इज माय अल्फा. यस सो टेन अल्फा इक्वल टू अपोजिट दैट इज एच नॉट अपॉन डी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी. नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा. डाल दो सारे वैल्यूज. बीटा इज इक्वल टू v0 u0 h0 ue divided by h0 upon d. हे भगवान, h0 से h0 कटेगा, क्या बचेगा हमको? बचेगा v0 upon u0 into d, ऊपर चला जाएगा d upon ue, d upon ue. so magnification is equal to v0 upon u0 into d upon ue. ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को. ये क्या है? ये है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. ये क्या है? ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस विच इज एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या था? डी बाय यू, डी बाय यू. सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्निफिकेशन. क्या ये हमने जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज सीखा था तब भी तो सीखा था? क्या सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में? मैग्निफिकेशन इसका, मैग्निफिकेशन इसका, मैग्निफिकेशन इसका, इसका m1, इसका m2, इसका m3. तो टोटल मैग्निफिकेशन इज m1 इनटू m2 इनटू m3, है ना. तो यही प्रूव किया. और ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. यस ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट. ये तो मैंने पहले ही बता दिया. व्हाट इज लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव and eyepiece. कितना होता है? यहां से इमेज का डिस्टेंस होता है वीओ. यस ऑब्जेक्ट मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इसके लिए बनता है.
वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके लिए, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट यूई, राइट। इसका मॉड लेंगे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू दिस प्लस यू, है ना। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट या इफ द फाइनल इमेज, देखो इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज, ये वाली फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनती है, यहां पे बनेगी ना फाइनल इमेज कहीं तो, इंफिनिटी पे बनी, इंफिनिटी पे अगर बनती है मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस पे होगा, फोकस के ऊपर, है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा फिर, ये वीओ तो वीओ रहेगा प्लस ये यूई के बदले हो जाएगा फोकल लेंथ, किसका, इसका, if the object is placed at in, अरे UE ही समझो, it is UE only, but in that case UE will be equal to FE, ठीक है, clear, that's it, इस पे कोई ज़्यादा ये नहीं है, मतलब nothing more on this topic, शुरू करेंगे numericals, yes, before numericals I guess, okay, क्या कहानी है, दो केसेस जो बनेंगे वो देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं फाइनल, ओके, सारी चीजें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिस्ट डाउन करो एक ही पेज के ऊपर। क्या बोला हमने, हमने बोला m इज इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज, m इज इक्वल टू v अपॉन u इनटू d अपॉन ue, करेक्ट। आईपीस आपका एक्ट करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज नथिंग बट magnification of objective, this is nothing but magnification of eyepiece, so total magnification is equal to magnification of both, yes, to kya yahan par bhi do cases banegi, bilkul, ek banegi maximum magnification ki, ek banegi minimum magnification ki, maximum magnification matlab strained eye, minimum magnification matlab relaxed eye, same pehle jaisa tha waise ke waisa, okay, to pehla case मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब v इज इक्वल टू माइनस डी होगा, है कि नहीं, v इज इक्वल टू माइनस डी मतलब द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ क्या है ये, ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना होता है इस केस में, 1 प्लस डी बाय एफ, क्या ये होता है, 1 प्लस डी बाय एफ ई, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, व्हेन द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, व्हेन वी इज एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होती है, इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होती है तो मैक्स मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन कितना रहेगा यार, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो तो लेंस की तरह काम कर रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन चेंज नहीं होने वाला, ये देखो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा सेम है, मैग्निफिकेशन चेंज किसका होगा, दूसरे वाले लेंस का, दैट इज आईपीस का, जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, डी बाय एफ ई, एफ ई क्यों लिख रहे, क्योंकि उस लेंस का आपको फोकल लेंथ लेना पड़ेगा, है ना, किसका फोकल लेंथ बड़ा किसका छोटा ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए, जो हमारा आईपीस है उसका फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, यस, तो इस तरह से, अच्छा ये वाला जो है दिस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड दिस एक्ट्स एज अ प्लेन लेंस, प्लेन लेंस, ये एक नॉर्मल लेंस की तरह काम करता है, इतना हमने सीखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में विद दिस। अच्छा अब ये प्लेन लेंस के तरह काम करता है तो इस पे सारे लेंस के फॉर्मूला लगा देना, लेंस के सारे फॉर्मूला लगाना, अगर इसका कुछ भी कैलकुलेट करना पड़े तो, हाँ इसका भी करना पड़े तो आप लगा सकते हो, बट मेजरली इस पे आपको लेंस फॉर्मूला लगा लगा के कुछ तो निकालना पड़ेगा, सारे डिस्टेंसेस, मान लो इसका फोकल लेंथ दिया है, v दिया है तो u निकालना पड़ेगा, u दिया है, f दिया है तो vo निकालना पड़ेगा, तो जो कुछ भी निकालना है इस पे लेंस फॉर्मूलाज लगाते जाना, और इस पे माइक्रोस्कोप का जो भी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा सेम तरह का यहाँ कैलकुलेशन बनेगा, यस वेरी गुड।
what are the formulas of magnification for plane lens? Come on, tell me. Iska first formula for magnification of objective ho jayega VO upon UO. Shortcut formula hai kya koi focal length ke related? Any shortcut formulas for calculation of magnification for a lens? Very good. F upon UO plus FO. Sab O ka, hai na? Toh in dono mein se koi bhi formula use karne ki zarurat pad sakti hai. Toh khatakhat use karne ka. Theek hai? Very good. Chalo phir questions banate hain. Simple simple hota hai. Jaise jaise jo jo given hai, wo likhte jayenge. The separation between objective and the eyepiece of a compound microscope is 10 cm. Matlab length de diya. Length kya hota hai? VO plus UE. Hai na? That is equal to 10 cm diya. The focal length of the objective is 2. Focal length of objective is 2. Dekho, chota hai. Okay? And that of eyepiece is 5. Bada hai. Focal length of eyepiece is 5 cm. Find the object distance for which final image will be formed at least distance of distinct vision. Final image least distance of distinct vision pe ban raha hai. Aur uske liye aapko object distance nikalna hai. Matlab UO nikalna hai. Hai na? Distance of the object from the objective UO aapko nikalna padega. Chalo. Kya kare, kaise kare, anybody. Think you have all the formulas. कुछ नहीं करना है सिर्फ फॉर्मूला सही यूज करके सॉल्व करना है एक मिनट सोचो नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही हिंट देता हूं हिंट है ना एक और चीज दे रखी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बननी चाहिए आई से आप अच्छा डायग्राम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ये छोटू सा डायग्राम हमारा ये आपका आई है यहां पे यहां से 25 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे मतलब VE आपको दे रखा है 25. VE is something that has been given to you. है ना? तो VE आपको पता है 25. तो क्या वो भी मैं given में लिख दूँ? VE is equal to minus 25. ये side में है ना? इस side में. Right? तो मैं minus 25 लिख दूँगा. है ना? अब step number one. क्या मैं UE calculate कर सकता हूँ? हाँ. Yes sir. मुझे FE पता है? हाँ. लेंस है ना ये लेंस है नॉर्मल लेंस है तो लेंस फार्मूला लगाओ मुझे एफ ई पता है हाँ मुझे वी ई पता है हाँ यू ई निकाल लो अगर मुझे यू ई मिल गया बच्चों तो मुझे वी ओ मिल जाएगा यस यहां से वी ओ मिल जाएगा वेरी गुड वी ओ मिल गया एफ ओ आपको पता है तो वहां से यू निकाल सकते हो आप यू ओ समझ में आया क्या बकवास कर रहे हो हिंट क्या पूरा सोल्यूशन ही दे दिया यस yes. yes? ट्राई निकालो आंसर निकालो कम ऑन चल लेट्स सॉल्व इट इसको हटा देते हैं फटाफट स्टेप नंबर वन ओके यूई निकालते यूई सो यूई के लिए वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू ई की कहानी चालू है ना यहां लिख देता हूं फॉर आईपीस है ना आईपीस की कहानी 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u क्या f की वैल्यू मुझे पता है 5 5 लो minus 5 लो f की वैल्यू क्या लो 5 लो minus 5 लो आप लोगों ने कहीं ना कहीं साइंस में मिस्टेक किए हैं है ना इसलिए पूछ रहा हूं जल्दी से बताओ एवरीबॉडी यस सर 5 1 by v 1 by v ve पता है ना मुझे 25 तो पहले ही माइनस लिख दिया मैंने सो माइनस 25 माइनस 1 अपॉन ue ठीक है चलो सो 1 by 5 प्लस 1 अपॉन 25 इज माइनस 1 अपॉन ue यस इनटू 5 इनटू 5 ये होगा 6 अपॉन 25 माइनस 1 by ue तो ue की एक्चुअल वैल्यू है ue की एक्चुअल वैल्यू है माइनस 25 बाय 6 सही है माइनस में ही आना चाहिए बच्चा यूई यार यहां एक डायग्राम बना के रखता हूं आपके लिए माइनस ये है ना तो ये है ऑब्जेक्ट यहां पे आईपीस की कहानी थी आईपीस का ऑब्जेक्ट ये दिस इज यूई नेगेटिव ही आना चाहिए बिल्कुल नेगेटिव आना चाहिए और करेक्ट भी है लेकिन यहां पे एल ले लो अभी एल इज इक्वल टू वी जीरो प्लस मॉड ऑफ यू ई दैट इज 25 बाई 6 का मॉड
and that is equal to 10. So V0 is equal to 10 minus 25 by 6. Ye positive bahar aayega, idhar jaake negative. That is 60 minus 25 by 6 by 6. That is nothing but equal to 35 by 6. VO is 35 by 6. ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव की कहानी. यस, फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए. ओके, और ये है VO, ये है VO, ये पता है, F भी पता है. यस, सो 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय U, 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय V माइनस 1 बाय F. 1 बाय V, V कितना है, अभी अभी निकाला, 35 बाय 6, तो 6 बाय 35 लिखता हूं. माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 70. सो यू विल बी 70 अपॉन 12 माइनस 35 विच इज माइनस 23. सही है क्या, देखो कैलकुलेशन. यस, है ना, तो इसका आंसर है माइनस 3.04 सेंटीमीटर. यस, 70 अपॉन माइनस 23. This is your answer. तो यहां से माइनस 3 मतलब 3.04 के डिस्टेंस पे इसको रखना पड़ेगा. अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपने बेसिक कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक की है ना, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ही सॉल्व करोगे. चलो देखो, मैं समझा देता हूं, पूरा समझा देता हूं ना. द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर. होमवर्क के लिए भर-भर के क्वेश्चंस है, ओके? तो अभी ध्यान देना. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव से है ना, तो यू ओ दे दिया, माइनस 2.2 सेंटीमीटर आएगा. द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन फ्रॉम द आईपीस. तो वी की वैल्यू दे दी है ना, V की वैल्यू आपको दे दी है कितनी, माइनस 25 सेंटीमीटर VE की वैल्यू. यस, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. बच्चा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज VO अपॉन UO है ना. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. यस, क्या फॉर्मूला आएगा, VO अपॉन UO इनटू आईपीस के लिए इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन है ना, तो ये आएगा 1 प्लस डी बाय एफ ओ. यस, क्या आपको VO पता है, नहीं पता, क्या मैं VO निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं. यस, 1 बाय एफ ओ इज इक्वल टू 1 बाय VO माइनस 1 बाय UO. क्या मुझे ये पता है, हाँ पता है, क्या मुझे ये पता है, हाँ पता है, तो मैं यहां से VO निकाल सकता हूं. तो VO बाय UO की वैल्यू मिल जाएगी, वेरी गुड. यस, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस d, पता है क्या, हाँ 25 पता है, d तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पता ही है, और FO, FE होना चाहिए, सॉरी. यस, FE पता है क्या, हाँ पता है, 6.25. खत्म है क्वेश्चन, कुछ बचता ही नहीं है. यस एवरीबॉडी, है ना, क्या ये करने की जरूरत थी, नॉट रियली. क्या मैं यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता था MO के लिए? यस, MO के लिए FO अपॉन UO प्लस FO, खत्म है, इससे ही मेरा काम हो जाएगा, है ना, मैंने लिख के भी दिया था रिवीजन के लिए. FO पता है, हाँ पता है, UO पता है, हाँ पता है, FO भी पता है, खत्म. सो प्लीज पुट इन ऑल द वैल्यूज और आपका आंसर आना चाहिए बच्चों, किधर गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर आना चाहिए माइनस 50, माइनस 50, माइनस 50, या आपका आंसर आना चाहिए माइनस 50. ठीक है, That is your answer. Please, इसको solve कर लेना आप लोग. आ गया सर. Next question. The focal length of, great. अगर हो गया रहेगा बहुत ही बढ़िया है ना. The focal length of objective and eyepiece of compound microscope. Focal length of objective is 2 cm. Focal length of eyepiece is कितना है? 5 cm. Object is placed at 2.5 cm from the objective. Yes. तो 2.5 cm minus में. The final image is formed at infinity. We फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर. तो भैया वंस अगेन मैग्नीफाइंग पावर इज एमओ इनटू एमई. एमओ तो हो जाएगा वीओ अपॉन यूओ है ना,
यस, या फिर इसके बदले में क्या यूज करूंगा, मैं इसके बदले यूज करूंगा एफ ओ अपॉन यूओ प्लस एफ ओ, यस मल्टीप्लाइड बाय एम ई, एम ई क्या आएगा डी अपॉन एफ ई, दैट्स इट, यस क्योंकि इट इज एट इंफिनिटी। तो इसका आंसर प्लीज सॉल्व करना, मैं आंसर लिख के दे रहा हूं सिर्फ माइनस ट्वेंटी आना चाहिए। अच्छा माइनस क्यों आ रहा है आंसर, बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड, है ना, फाइनल इमेज तो इन्वर्टेड है ना, तो इसलिए माइनस। यहां पर भी देखो माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड। जब आप मुझे ये सारे क्वेश्चंस का नोट्स भेजोगे तो मैं देखूंगा कि आपने ये कैलकुलेट किया है कि नहीं, मैं आंसर्स दे रहा हूं सो दैट यू कैन चेक इट, यू हैव टू कैलकुलेट इट, यस। अगला सवाल, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस, तो एफओ दे दिया 2.5, एफ ई दे दिया 6, द लेंसेस आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट, तो एल की वैल्यू दे दिया आपको विच इज नथिंग बट वीओ प्लस यूई का मॉड, that is 20 centimeter apart. A small object is kept 3 centimeter from the objective. UO de diya minus 3 centimeter. Find the distance of the final image from the eyepiece and magnifying power. VE nikalna hai aapko aur magnifying power nikalna hai. Yes? Kaise kare, kaise kare, kaise kare? Everybody, first, objective le lo. Objective le lo. है ना, ऑब्जेक्टिव में कैन आई फाइंड वी ओ, व्हाट इज वी इक्वल टू, व्हाट इज वी का शॉर्टकट फॉर्मूला, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, क्या मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, हाँ एकदम सिंपल, वेरी गुड। इसकी वैल्यू मैं यूज करूंगा यहां पर वी ओ प्लस यू ई, है ना, तो यू ई विल बी एल माइनस वी ओ, तो क्या यहां से मुझे यू ई मिल जाएगा, वेरी गुड। UE मिलने के बाद VE निकालना है आपको, 1 upon FE is equal to 1 upon VE minus 1 upon UE. क्या मेरे पास FE है, हाँ given है, क्या मेरे पास UE है, हाँ है, आपको VE निकालना है, everybody clear, yes, a compound microscope has a magnifying power of 40, मतलब capital M दे दिया 40 सीधा सीधा, okay, assume that the final image is formed at least distance of distinct vision, मतलब VE की value दे दी है, कितना, minus 25, if the focal length of the eyepiece is 10, FE की value दे दी 10, calculate the magnification produced by the objective, MO आपको निकालना है, MO निकालना है सिर्फ, है ना, तो we know that M is equal to MO into ME, yes, तो MO is equal to M upon ME, M की वैल्यू पता है क्या, हाँ 40 दे रखा है भाई, 40 अपॉन M माइनस 40 ऐसे, हाँ हाँ माइनस 40 है ना, माइनस 40 रहेगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है माइनस 40 रहेगा, एंटायर मैग्निफिकेशन माइनस 40, और क्या बोल रहा था, भूल गया ना मैं, हाँ एमई पे थे हम लोग, सो एमई कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, कहाँ बन रही है इमेज, इमेज बन रही है दिया है ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, yes d upon fe, क्या d पता है, d पता है, fe पता है, हाँ fe तो गिवन है सीधा सीधा, तो डायरेक्ट डाल दो, माइनस 40 अपॉन d कितना है, d इज 25, yes डिवाइडेड बाय fe इज इधर गया 10, तो ये हो जाएगा माइनस 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, है ना, सॉल्व करेंगे इसको फटाक से, या आई एम सो सॉरी, यस अरे इंफिनिटी पे थोड़ी बन रहा है, 1 प्लस डी बाय एफ ई होना चाहिए, ओके 1 प्लस डी बाय एफ ई, डी पता है एफ ई भी पता है, आपका आंसर होना चाहिए माइनस 11.43, यस प्लीज कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल चीज है सारी, यस दिस इज योर कंप्लीट होमवर्क, दिस इज योर कंप्लीट होमवर्क, is dash, numeric type question है, is dash, सब same है, कुछ भी फरक नहीं रहेगा, the value of least distance of distinct vision is given, yes, कुछ निकालने बोला है, वो भी निकालेंगे आप, और यहां से आगे, कितने questions है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और भी है ना, शायद 9, 10,
11. It should not take more than half an hour to do it. Yes? इसी लेवल के हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आएंगे, आधे घंटे के अंदर खत्म कर देना. ओके, आई विल सेंड द फाइल टू यू गाइस. यस सर, एनी डाउट?